हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज हम जानेंगे कि कैसे अपने आईफोन के अंदर जो कीबोर्ड होता है वो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मैसेज खोल लेता हूँ, यहाँ पर टाइप करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ए इधर आ रहा है, जेड ऊपर आ रहा है, सारे थोड़ा सा लेआउट पर बिगड़ा हुआ है, जो कि आज कल यूज़ नहीं करते हम। हमारे यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इसको ठीक करने के लिए, सही करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको जानने के लिए आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलो चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं हमें इसको ठीक करने के लिए, चेंज करने के लिए। क्या हमें सबसे पहले आईफोन की सेटिंग में चलना होगा। आईफोन की सेटिंग में चलते हैं, आईफोन की सेटिंग में क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद जैसे कि इस तरीके से कुछ लेआउट खुल जाएगा आपका। सेटिंग का सेटिंग पर आने के बाद आपका सबसे पहले हमें जनरल खोजना, जनरल पर क्लिक करना है। जनरल पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, जिसके आप देखते हैं यहाँ पे कीबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है। कीबोर्ड का ऑप्शन क्लिक करेंगे, कीबोर्ड का ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है हमने। क्लिक करने के बाद आप जैसे सबसे ऊपर एक कीबोर्ड लिखा हुआ है, कीबोर्ड्स के ऊपर देखो यहाँ पे इंग्लिश इंडिया लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो किस तरीके से हमें मोस्टली हमारे यहाँ पे क्वालिटी यूज़ होता है, तो क्वालिटी पर क्लिक कर देंगे। ये कर दिया हमने क्लिक, अरे चेंज हो गया है। और इसको आपको दिखाने के लिए मैं सबसे पहले कुछ खोल लेता हूँ। जैसे कि ये है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यूज़ होता है कीबोर्ड, वही वाला कीबोर्ड हमने अप्लाई कर लिया है, लगा लिया है। इस तरीके से आप भी अपने आईफोन के अंदर चेंज कर सकते, कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।